my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in a neck. Hello ji, good morning and welcome to the new vlog. रात तकरीबन 5 बज गए हैं जी, वीडियो एडिट करते करते, व्लॉग एडिट करते करते, और उसको बाद में मैंने स्केड्यूल कर दिया था। लेकिन मसला ये है कि तकरीबन 7 बजे दोबारा उठ के शूट पे आना पड़ा है और नींद भी पूरी नहीं हो सकी, 1.5 घंटा सोए हैं। सो इट्स ओके, आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आई एम सेटिस्फाइड। तो मुझे नहीं महसूस हो रहा कोई थकावट। ठीक है, वही बात है, जब इंसान दिल से काम करता है तो थकावट नहीं महसूस होती। तो हमेशा दिल की सुनो और वो काम करो जिससे थकावट ना महसूस हो। तो जी आज day 2 है हमारे एंथम के शॉट का, जो हमने कल भी शॉट किया था, आपको पता होगा। क्योंकि यूजुअली डेली व्लॉग है तो इसको कह सकते हैं कि काइंड ऑफ जोड़ो और अपलोड कर दो। ठीक है, वीडियोस को जोड़ो और अपलोड कर दो। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत उसको एडिट करके, कुछ अच्छा कलर ग्रेडिंग करके अच्छा निकालने की कोशिश की और अच्छा निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकल गया। और ये है कि बहुत सीखने को मिलेगा। तो भाइयों एक बात तो समझ आ गया कि यार जितना भी ज़्यादा मैं व्लॉगिंग करूँगा या जितना भी ज़्यादा मैं एडिटिंग करूँगा, उससे मेरा ही फ़ायदा होना है, उससे नई नई चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी, वो ये कि यार बंदे की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जी, और पिछले 2 दिन से डिस्टर्बड है। लेकिन आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट और आई एम श्योर कि मैं मैनेज कर लूँगा। बाकी जो पर्सनल लोग हैं मेरी लाइफ के, और हमारी लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है सिर्फ व्लॉगिंग की वजह से, तो आई एम लिटरली सॉरी। लेकिन बात यह है कि यार मुझे ये करने में बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और दिस इज़ व्हाट मेक मी सेटिस्फाइड। तो आइए देखते हैं कि क्या चक्कर चल रहे हैं भैया। सक्सेसफुल स्लोमो। This ain't the same. They say love heals all, it makes it all right in time. अच्छा जी, कल भी आपसे नहीं मिलवा सके। ये हैं जी हमारे शहबाज भाई। शहबाज भाई हमारे यहाँ पर कैमरामैन, सारी चीज़ें देखते हैं, और उसके अलावा बहुत अच्छे एडिटर भी हैं हमारे। एडवांस एग्रोटेक के जिस TVC आपने देखे होंगे वो शहबाज भाई ने बनाए हैं। शहबाज भाई बहुत अच्छा काम है, सलामत रहें, खुश रहें। और जी भैया, एक और भैया भी हमारे साथ मौजूद है, ये ड्रोन वाले भैया हैं। भैया ड्रोन वाले भैया, भैया आपके पास कौन सा ड्रोन है भैया? Phantom 4। भाई Phantom 4 है लोंडे के पास। लोंडे को चेक करो, स्वैग चेक करो लोंडे का। भाई क्या बात है, ये भी उड़ाएगा, आप दिखाते हैं आपको उड़ाते हैं भाई। खबर आई है कि नाश्ता करें, तो नाश्ता करते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला सुबह सुबह। तो भाई मसला ये हुआ है कि
एक तो नान मुझसे नहीं खाया जाता ना किसी से, हम जितने भी हैं सारे किसी से भी नहीं खाया। हाँ, ऐसी है। ठीक है, और दूसरा ये कि निहारी थी, निहारी भी लाइफ में कभी नहीं खाया मैंने नहीं खाई। निहारी मैं खा लेता हूँ मतलब, लेकिन अगर घर की बनी हुई हो। हाँ, लेकिन अब मसला ये है कि यार अब पता नहीं उन्होंने कैसे बनाई है कैसे नहीं बनाई है, ऊपर से आपको पता वो कोरोना वाला इशू ये भी है, कैसे हाथ हम सुबह से मास्क में फिर रहे हैं, हाथ धोते हुए फिर रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही, इसलिए हमने कहा यार उठो बेहतर है, बाकी दिन पूरा दिन शूट करना। लेकिन मजे की बात यह है कि इधर का खाना चलो फिर भी इनका मेस का था, अब जहाँ से खाएंगे वो भी तो बाहर का होगा। हमें ये भी नहीं पता कि हमें आगे कैसा मिलने वाला है, हम फिर भी जा रहे हैं। भाई जान हमारा कॉन्फिडेंस चेक करें आप। अच्छा भैया, बाहर से भी कुछ नहीं मिला खाने को, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर हमने फ्रूट चाट मंगवाया और फ्रूट केक भाई। हाँ, फ्रूट केक मंगवाया और क्या कहते हैं, साथ में चाय पी हमने, अस्कर भाई के हाथ की चाय एकदम मस्त, बड़ा जबरदस्त था। ही ट्रोल्ड मी लिटरली ब्लास्टेड मी। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, ये अनु मलिक, ये उसको पिलाने वाली हो, ये असगर भाई ने ये चाय बनाई है भाई, क्या बात है। अरसम भाई क्या कहें लिटरली सारी थकावट वो एक चाय की चुस्की से ना खत्म हो, क्या बात है। सलामत रहे असगर भाई, सलामत रहे। अच्छा जी, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि डेली व्लॉगिंग की क्या जरूरत है, डेली व्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट, तो उसका जवाब ये है कि यार नंबर वन देखो, मैंने ना काम की पेस बढ़ा दी, तो एक इंसान जितना काम करता है उसका एक्सपोजर जो है ना उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटिंग करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मेरे पास नई चीज़ें मुझे करने का दिल करेगा और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हर व्लॉग के बाद कोई ना कोई नई चीज़ मुझे सीखने को मिलेगी। दूसरी रीज़न ये है कि मेरे बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हैं और होते भी हैं, उस वजह से कि मैं उनके साथ उनको टाइम नहीं मिल पाता या टाइम नहीं मैनेज कर पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को ही जरिया बनाया जाए उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे कनेक्टेड रहने का। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही था यूट्यूब, जिसके ज़रिए मैं अपनी वीडियोस भी वहाँ पर ब्लॉग्स भी डाल सकता था और अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट भी कर सकता था, उन फ्रेंड्स से जो ये मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम मिलते नहीं हो, कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, एटलीस्ट उनको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, और हो सकता है वो कल को मुझसे मोटिवेशन लेके वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, तो शायद मैं भी उनको देखने लग जाऊँ। सो पहले तो फ्रेंड्स को मिलना चाहिए, टाइम मैनेज करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन इफ अगर कोई नहीं कर पा रहा मैनेज तो दिस इज़ द वे। और तीसरी और लास्ट रीज़न ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि यार कुछ डिफरेंट किया जाए, ठीक है, और मेरे लिए ये बेहतरीन ऑप्शन था डिफरेंट करने के लिए, यार डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, जो कि लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग है बहुत से व्लॉगर्स के लिए, तो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, आई एम ट्राइंग, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा सा टारगेट बना दे जाऊँगा, ताकि अगर कोई उसको बीट करना चाहे तो लगे उसको यार ये टारगेट है। तो व्हाटएवर, मेरा यही एम है कि यार हमेशा डिफरेंट ही करना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग बन के रहना चाहिए, लोगों से एक जैसा नहीं बन के रहना चाहिए, आम इंसान की तरह नहीं जीना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक और सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि एक तो मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, आपके साथ स्टोरीज कैसे शेयर करनी है वो हर व्लॉग के साथ हर दिन के साथ मुझे कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट करूं तो आपको अच्छी लगे मेरे बातें, वो ये ना हो कि एक मिनट के बाद आप मेरी वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ। मेरे ख्याल में सबसे अहम जो पॉइंट था वो ये था कि स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, और दूसरा ये कि जितना मैं उर्दू आपके साथ बोलूँगा फ्लुएंटली तो मेरा जो सराइकी लहजा है वो भी बेहतर होगा। आई लिटरली वांट टू डू इट के मेरा जो सराइकी का लहजा है मैं उसको बेहतर करूँ, और मैं जब भी उर्दू बोलूँ तो किसी को महसूस ना हो कि मैं सराइकी हूँ, ठीक है। ये बात नहीं है कि मुझे सराइकी होने पर प्राउड नहीं है या अपनी लैंग्वेज से प्राउड नहीं है, आई लव माई लैंग्वेज, अगर कोई मुझे सराइकी या कोई और लैंग्वेज बनने का मौका दे तो इंशाल्लाह आई विल चूज़ टू बी सराइकी, ठीक है। तो
इट डजंट मैटर, आई फील प्राउड टू बी सराइकी, और जो जो भी आपकी ज़बानें हैं, आपको मातृभाषा है, मेरे ख्याल में आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए अपनी ज़बान पे, अपने देश पे, अपनी मिट्टी पे, एंड आई डू हैव टू सो. लेकिन आई वो कहते हैं ना कि इंसान को सीखते रहना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छी उर्दू वाला लहजा मुझे मिल जाए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगी. अच्छा, शायद आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा हो कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी नासाज हो गई है, वो इस वजह से कि अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ इनके लेबॉरेटरी सेक्शन में गए, वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस के शॉट्स लेने थे, तो वो शॉट्स ले लिए और केमिकल रिएक्शंस हुए और उसकी जो गैसें थी या वट एवर रिएक्शन की वजह से वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और आई एम फीलिंग लो. लेकिन बात यह कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसी फील्ड में ही है, केमिकल रिएक्शंस और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि यार मेरे को बताओ तुम लोग ये कैसे करते हो, मेरे तो तबीयत ख़राब हो गई थी यार, तुम हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ यू कैन डू इट मैन. चलें जी भैया, बहुत हो गया काम और तबीयत भी अब कुछ बेहतर हो गई है, तो खाना खा लेते हैं, बड़ी भूख लग रही है. सो इट्स लंच टाइम. टंग टंग टंग, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी. और टूट जाएगा रोनिन, कितने लाख का पता है वैसे, कितने का? 3.5 लाख. बाकी नहीं, नहीं 3.5 का पूरा नहीं है. कसम से, वैसे कितने प्राइस होगी? 90,000 या लाख का इतने का बन जाता है. एक स्टिक के 90,000 यार, जो है ना पूरा. दुनिया ने भी सही फुदू लगा रखा है यार. ये तकरीबन 6500 डेढ़ से 2 लाख इसमें, और ये कौन सा लगा हुआ है? 10-18 तकरीबन. अभी इस वक्त 1,15,000 1,00,000 इतने का हो चुका है. मतलब ये पूरी चीज़ें 3-1 लाख की हैं. हैं नहीं, उससे ज़्यादा है. चलो 3.5 लाख, 4 लाख. असम भाई इधर देखो, एक सवाल था. ऐसे भी लोग होते होंगे जो सिंगल मर जाते होंगे? कौन होते होंगे ऐसे लोग? आपको क्या लगता है, आप सिंगल मरेंगे या? No, I will not die single. This is a guess, I think. मतलब आप शादी होगी आप कैसे? Yeah, definitely. कैसे होगी? ये तो दुनिया खत्म होने लगी है, कोरोना है, शादी तो बंद कर दी उन्होंने वलीमे शलीमे, और इकट्ठे भी नहीं हो सकते. शायद हो सकता है, चले. उम्मीद है कि अरसम भाई की शादी इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह इनकी इनकी रोशनी, इनकी ज़िंदगी में रोशनियाँ आएंगी, रोशनियाँ एक नहीं बहुत सारी रोशनियाँ, किरण किरण उम्मीद के साथ आएगी. क्या है कि मतलब सारी चीज़ें जो है ना, उनका ताल्लुक लाइट से है. मेरी तो नींद भी नहीं पूरी हुई, 2 घंटे सोया हूँ. सेम यार, रात को तकरीबन 2:30-3 बजे सोया हूँ, सुबह 6 बजे फिर उठ गया हूँ. अब एक और मसला है आज, वो ये कि आज रात शूट चलेगा तकरीबन, मुझे लगता है कोई 10-11 बजे तक. 10 बजे तक तो मस्त चलेगा, और सुबह फिर है अभी थर्ड भाई, सुबह फिर हो या ना हो फिर मैं जाके व्लॉग भी एडिट करना, मतलब मुझे 4-5 फिर बजेगी आज रात, और हम करेंगे. यस, कमिटमेंट को पूरा करना है. कैसे अरसम भाई? I feel proud on me. #me too also. You know I'm a feminist. Yeah, I feel proud of you because you are a feminist, a good feminist. You are a good feminist. This is the point actually. There are a lot of feminists. You know, pseudo feminists. Fuck them. Around us. Fuck them. There's so much pseudo feminists around us, yaar. Yeah, I know.
लेकिन हिपोक्रेट यार, बहुत मुनाफिक है वो लोग। मतलब कोई बात नहीं यार, हर किसी की अपनी थॉट्स छोड़ो पर दो। मतलब वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है तुझे पता। हाँ बस छोड़े, दुनिया को कब तक सिखाएंगे। हाय ये दुख है, मतलब मुझसे आंखें नहीं खोली जा रही। ये हमारे दुख को ही नहीं समझ सकता यार। एग्जैक्टली भाई, बात ये है कि अब मैं आपको, आपको पता चल गया कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो मुझे अनसब्सक्राइब ना कर देना। मैं वो मतलब एक्सट्रीम वाला नहीं हूँ। जो राइट्स है ना, जो हम वो वाले हैं, जो राइट्स हैं, जो आप लोग भी मानते हैं हम भी मानते हैं, हम वो वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली नॉट अबाउट द राइट्स, हम ये चाह रहे हैं वो जो राइट्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो उनको मिले, वो इम्प्लीमेंटेशन जो इस मुल्क ने भी दिए हैं, वो भी जो मैनिफेस्टो में उनके लिखा हुआ है वो कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं लिखी हुई। ठीक है, वही है जो मुल्क ने देनी है और वो उस ये हमारा मुल्क दे नहीं पा रहा। खैर ये छोड़ो, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अच्छा यार, ये कमेंट्स में जरा बताओ ना, ये क्या फेमिनिज्म, आप क्या समझते हो क्या है फेमिनिज्म, और एक इंसान को फेमिनिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, और ये कमेंट्स में जरा बताओ, मैं भी देखूं कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे फॉलोअर्स क्या सोचते हैं इस बारे में। ये एंटी फेमिनिस्ट है, ये साथ बैठे हैं ना। यू डोंट इवन नो व्हाट द फक इज फेमिनिस्ट। फिलहाल तो मैं नींद में हूँ, फिलहाल मुझे सोना। तो भैया ये था हमारा आज का दिन, आज का दिन जहाँ पर इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन, आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में अगले दिन, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे लिए दुआ करेंगे मेरा गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया।